हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। जिन भी साथियों ने HCS का एग्जाम दिया था 21 मई को, उनके लिए गुड न्यूज आ गई है। यदि आप जानना चाहते हैं क्या अपडेट आई है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसीताओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वापिस आते हैं अपनी न्यूज पर। तो HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस अवेलेबल है, आप वहां पे जाके ये नई अपडेट देख सकते हैं। अपडेट क्या है जी, यहाँ पे बताया गया है कि 21 मई को आपका एग्जाम हुआ था और आज हमने इसकी आंसर की जारी कर दी है। अब यदि किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन पर, किसी आंसर पर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, या उसको लगता है कि ये पर्सन HCS ने गलत दे रखा है, या सेंटेंस गलत दे रखा है, या इसका आंसर गलत मान रखा है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये मैसेज आपका डाल दिया गया है। ऑब्जेक्शन कब से कब तक लगेंगे? 24/5/2023 से लेके 26/5/2023 रात के 12 बजे तक। हाँ जी, यदि आपने HCS का एग्जाम दिया था और आपको किसी क्वेश्चन पर, किसी आंसर पर डाउट है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 26 तारीख रात 12 बजे तक। ये लिंक एक्टिवेट रहेगा और ऑब्जेक्शन लगाने का चार्ज भी लगेगा। पर क्वेश्चन ₹250, एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाने के ₹250 हैं जी, ठीक है। तो और HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो मास्टर पेपर है आपका, वो अवेलेबल है, और मास्टर की है वो अवेलेबल है, ठीक है। सी सेट की भी और GS वाले की भी, दोनों की। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए कि आप अपनी आंसर की मैच कर लीजिए, और अभी आपके कितने नंबर बनते हैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगा लीजिए 26 तारीख तक। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।